चित्रकूट में जो पहली बार आता है वो कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा अवश्य ही करता है। भगवान कामतानाथ जो कामतगिरी पर्वत पर विराजमान है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ था तब वे भी कामतानाथ की पूजा करने के बाद कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाए थे, वही प्रथा अनवरत आज भी चलती आई है। आज मैं इस वीडियो में परिक्रमा के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। ये परिक्रमा बाई से शुरू होती है, 5 किलोमीटर की परिक्रमा ये होती है। रास्ते में आपको भगवान कामतानाथ के 5 मुखार बिंदु के दर्शन भी होते हैं। ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा भक्त लोग 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो वो जो पैदल चलकर परिक्रमा लगाते हैं, लगातार पैदल चलकर ये सभी 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करते हैं, और दूसरे प्रकार की परिक्रमा होती है जो जमीन में लेटकर परिक्रमा लगाई जाती है। हाथ में नारियल लेकर भक्त लोग जमीन में लेटकर कुछ इस प्रकार से भी परिक्रमा लगाते हैं। एक तरीका और है, जो लोग चल नहीं पाते या बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए यहाँ व्हीलचेयर की भी व्यवस्था है। 200 रुपए में आपको एक आदमी और व्हीलचेयर मिल जाएगा। 200 रुपए में वो आदमी खुद आपको परिक्रमा पूरी करवा देगा। आइए बताते हैं परिक्रमा के रास्ते में क्या क्या है। परिक्रमा के रास्ते में आपको यहाँ भगवान हनुमान के रूप में बंदर और लंगूर के दर्शन होते हैं। परिक्रमा के पूरे रास्ते में ये आपको मिलेंगे, आपको उनसे डरना नहीं है, बस चलते जाना है, ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, हाथ में कोई प्रसाद का थैला लेकर मत चलिएगा। अगर प्रसाद की पॉलिथीन होगी तो ये बंदर उन्हें छीनने का प्रयास अवश्य करते हैं। अगर आपके पास कोई बैग हो तो उसमें आप प्रसाद रखकर परिक्रमा लगाएं। आपको रास्ते में केले चना इत्यादि की दुकान मिलेगी, जहां से आप बंदर रूप में हनुमान देवता को केले या चने खरीदकर खिला सकते हो। परिक्रमा में आपको कई मंदिर देखने को मिलेंगे, आप जाकर वहां दर्शन कर सकते हो। परिक्रमा के दौरान ही आपको वह स्थान भी देखने को मिलेगा जहां वनवास समय के दौरान जब भरत जी भगवान राम को वापस अयोध्या बुलाने के लिए चित्रकूट आए थे। इस स्थान पर आपको कई चरण चिन्ह भी दर्शन करने को मिलेंगे और एक बहुत ही सुंदर मूर्ति यहां देखने को मिलेगी, जब भरत जी ने भगवान राम जी का खड़ाव मांगा था। इस मूर्ति में भगवान राम भरत जी को अपना खड़ाव देते हुए नजर आ रहे हैं। परिक्रमा के रास्ते में ही कामतानाथ जी के अन्य मुखार बिंदु के मंदिर भी मिलते हैं, जहां भक्त लोग दर्शन करते हैं। ये परिक्रमा 5 किलोमीटर की होती है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक एक मुखार बिंदु स्थापित है। ऐसे ही कामदागिरी पर्वत पर 5 मुखार बिंदु मौजूद है। शाम के समय यहाँ परिक्रमा के रास्ते पर भगवान कामतगिरी पर्वत की आरती भी होती है, जो देखने में आनंददायक होती है। उस समय का वातावरण बहुत ही दिव्य होता है। परिक्रमा के दौरान यहां सभी जगह आपको पीने के लिए पानी की दुकानें, चाय की दुकानें और खाने पीने की दुकानें मौजूद है। आप कहीं भी रुककर आराम कर सकते हो, फिर अपनी परिक्रमा जारी रख सकते हो। यहां प्रसाद की ढेर सारी दुकानें हैं, आप घर पर ले जाने के लिए यहां से भी प्रसाद खरीद सकते हो। परिक्रमा के रास्ते में आपको सभी देवी देवता के मंदिर देखने को मिलेंगे। यहां ढेर सारे मंदिर मौजूद है, आप रास्ते में दर्शन करके आप परिक्रमा जारी रख सकते हो। रास्ते में आपको लक्ष्मण पहाड़ी भी देखने को मिलेगी। एक जगह आपको जो कि अभी नया बनाया गया है, जिसका नाम रामायण दर्शन है। यहाँ सिनेमा के रूप में आप रामायण का आनंद भी ले सकते हो। अंदर एक बड़ा हॉल बनाया गया है, जैसे कुछ सिनेमा हॉल होता है, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। ये सारी जगह परिक्रमा मार्ग पर ही आपको देखने को मिलेगी। रास्ते में आपको ऐसे ही ढेर सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर मैं उनका वीडियो बनाने में लग गया तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो आप देखना पसंद नहीं करोगे। मैंने सूक्ष्म रूप में आपको परिक्रमा मार्ग का दर्शन करा दिया। आपको स्वयं चित्रकूट आकर यहाँ परिक्रमा लगाना चाहिए, तभी आप असली अनुभव पा सकोगे। तो जीवन में आप चित्रकूट अवश्य आइए। कुछ वीडियो के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। म्यूजिक की धुन के साथ वीडियो का आनंद आप ले सकते हो। तब तक के लिए राम राम।